अच्छा, आप मेरा काम पूछते थे ना कि आप काम क्या करते हैं, तो ये चीज़ देखें, ये वाली चीज़ हमारी कंपनी में तैयार होती है। दोस्त कहता था कि कोरिया का जो है ना मेकअप बहुत फेमस है। ओके, तो ये सारी आपको शराब नज़र आएगी, शराब जिस तरह की भी आपने लेनी है। ये देखा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के ब्रांडेड है, ये जो भी है ये इन्होंने इस तरह बना के रखा हुआ, जिस तरह कट्टे का नहीं होता, सुअर पिक जिसे कहते हैं, पिंक पिक क्या कहते हैं, ये सुअर का गोश्त है। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया, ये ब्लॉगिंग और शॉपिंग, ये दोनों अकेले बंदे का काम करने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं समंदर के ऊपर से, ये चेक करें, ये जो ये चीज़ें ना, ये निशानी है कि समंदर है नीचे। अभी ये व्यू चेक करें, मैंने आपको बोला था कि ये जो है ना सिग्नल, ये मुझे गुजरने नहीं देता, अगर इसका बस चले तो इधर रोक रखता, लेकिन इसकी वजह से ये व्यू मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कितना प्यारा, चेक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अहमद और आप देख रहे हैं अहमद व्लॉग। तो वेलकम बैक अ न्यू स्पेशल ही कह लें, मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि अभी हो रही है, आप देखें तो हो रही है बारिश। चेक करें थोड़ा सा, मैं ये चला के आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, मैं घर के सामने ही खड़ा हूँ, तो बारिश हो रही है, और बारिश में मैंने सोचा व्लॉग भी, मैंने पहले सोचा था कि क्यों एन में वीडियो बनाता हूँ, बाहर एक वहाँ पार्क है बहुत खूबसूरत, वहाँ पर जाकर क्यों एन में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं जा सका, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाना है, क्योंकि 5 दिन बाद वीकेंड आता है तो व्लॉग ना हो मज़ा नहीं आता। पहले भी मुझे 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, और आपको ये भी पता होगा कि मेरा यार चैनल ठंडा हो रहा है व्लॉग ना अपलोड करने की वजह से, थोड़ा अब कोशिश करते हैं, बस थोड़ी मसरूफियत है, लेकिन इंशाल्लाह अब व्लॉग आएंगे। तो क्या मैंने प्लान किया ये भाई को नहीं बताया, भाई को मैंने बोला बस आप, क्योंकि कार्ड उनके पास था, मैंने कहा कार्ड मुझे दें और मैं आपको कुछ चीज़ अच्छे से खिलाता हूँ, तो आपने मुझे गेस करके बताना मैं क्या बनाने वाला हूँ। चल मैं बता देता हूँ क्या, आप याद रखोगे। मैं बनाने वाला हूँ फिश, अभी जा रहा हूँ मार्ट पे, वहां से फिश लेनी है, और इतना बड़ा मार्ट है कि वहां पे आपको हर तरह का कोरिया का गोश्त मिलेगा, और मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कोरिया में किस किस किस्म का गोश्त होता है, हलाल हराम जो जी सारा मैं आपको दिखाऊंगा। उस मार्ट का विजिट करते हैं, फिर वापस आकर फिश कैसे बनानी वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड तक रहिएगा, आज का स्पेशल व्लॉग आपके नाम। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, गाड़ी में मैं आ चुका हूँ, तो लेट्स गो। अभी ये व्यू चेक करें, मैंने आपको बोला था कि ये जो है ना सिग्नल, ये मुझे गुजरने नहीं देता, अगर इसका बस चले तो इधर रोक कर रखता, लेकिन इसकी वजह से ये व्यू मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कितना प्यारा, चेक करें। ये या जैसे मैं घर से मतलब थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ पार्किंग से, तो ये सामने व्यू आपको नजर आएगा रोड का, वाह कितना प्यारा, बारिश में लग रहा है। चलो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों गाड़ी आपके भाई ने लगा दी पार्किंग पे, तो ओए बार बारिश हो रही है, और मैं छतरी भी लेकर नहीं आया, तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। ये है जी देबुल, जहां से मैं शॉपिंग वगैरह करता हूं, और ये व्यू चेक करें यार, भाई साहब लेवल का है या नहीं, हाय हाय हाय। अच्छा आईफोन पहली बार मैं पानी में बाहर लेकर आ रहा हूँ, वाटर प्रूफ ही होता ना, हाँ यार इतना महंगा वाटर प्रूफ ही होगा। ये को आपके भाई का वेलकम कैसे होता है, वाओ। अरे कहना क्या चाहते हो, यहाँ से हम लेंगे फिश, मैं अब माइक लेकर नहीं आया, ऐसा ही वॉइस पे आप गुजारा करें। सबसे पहले तो मैं आप इस मार्ट के दिखा देता हूँ गोश्त किस किस चीज से मिलता है, और क्या क्या कोरियन अन्ने वाह खाते हैं, बड़ा कुछ खाते हैं यार, मैं आपको बता दूँ शायद तोबा तोबा आप करें, इस तरह की चीज़ें ये खाते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने इस तरह बना के रखा हुआ, जिस तरह कट्टे का नहीं होता, सुअर पिक जिसे कहते हैं, पिंक पिक क्या कहते हैं, ये सुअर का गोश्त है जो कि कोरियन मशहूर है खाने में। तो हमने क्या लेनी, हमने लेनी फिश, ये भी कट्टे सॉरी सुअर का, हमने लेनी है फिश, और कौन सी लेनी है वो अब हम देखते हैं। ये कपड़े हैं, वही ये सारे सी फूड हैं, ये देखो सारे सी फूड आपको यहाँ मिलेगा, और जैसे जिंदा जिंदा भी इन्होंने रखी हुई है, चेक करें। अब मैं कौन सी लूँ, अब ये भी मुझे ढूंढना पड़ेगी। A few moments later. दोस्तों डिसाइड ये हुआ है कि भाई ने कहा है कि आप जाओ शहर मुखपो, तो यहाँ से तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, तो वहाँ से लेकर आओ, वहाँ से अच्छी मिलती है,
ई मार्ट से, तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाकर आपको मिलता हूँ, वहाँ भी आपको दिखाऊँगा। तो जो लोग कोरिया में, उन्हें पता ई मार्ट का जो नहीं है, तो उनको बता दूँ वो भी इस तरह का बहुत ही बड़ा मार्ट है, तो वहाँ पे हमें मिलेगी अच्छी वाली फिश। चलो जी, गाड़ी में मैं बैठ गया, तो हम चलते हैं मुक्पो। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं समंदर के ऊपर से, ये चेक करिए, ये चीजें ना, ये निशानी है कि समंदर है नीचे। इधर आप देखे तो वो देखे समंदर, वो देखे, ये व्यू है जी मुक्पो की खूबसूरती का। ये इधर देखे तो इधर समंदर है। तो ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज ड्राइविंग के दौरान मैं मोबाइल यूज नहीं करता। ये समंदर आप देख रहे हैं, वो देखे, ये समंदर है, व्यू चेक करें यार। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, आप पार्किंग से आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितने बड़े मार्ट में आया। तो ये है जी ई मार्ट, वेलकम करो मेरा, अपने आप खुल जाओ, वाओ दैट्स गुड। ये देखें जी, ये है मार्ट। It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost. और हमने अब जाना है किस जगह? ओए वॉच, मुझे आज तक वॉच पूरी में नजर नहीं आई कहीं, ये मैं सही जगह पे नहीं पहुंचा। आपको ये बता दूं, बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ पाकिस्तान, तो मेरा जो माइंड सेट है वो शॉपिंग का है। तो मैं चीज़ें देख रहा हूँ अभी, जो जो मुझे पसंद आएंगे तो बाद में आके ले भी लेंगे। यहाँ पे आपका सिम वगैरह, सैमसंग कार्ड वगैरह जो भी बनवाने वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक, हमने लेनी है फिश। यार एंट्री गेट कहाँ से, मैं गलत तो नहीं आ गया? उधर है एंट्री गेट, ये है जी एंट्री। यहाँ से आपने टोकरी उठानी। यार मेरे पास ना कैश है, गिफ्ट कैश। गिफ्ट कैश का मतलब ये है कि मेरे पास एक क्यू एन कोड है, वो इनको मैं दिखाऊंगा, तो पाकिस्तानी तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये मेरे मोबाइल में है, तो वो हम ई मार्ट में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इधर आया हूँ। तो पहले मैं वहाँ उन्हें दिखाता हूँ और फिर उनसे देखता हूँ कि किस तरह वो यूज़ करना है, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगा क्योंकि वो मोबाइल में है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। जी तो ये मैं पैसे हमने निकाल लिए। यहाँ पे आपके, अगर आपके पास इस तरह का गिफ्ट वगैरह होता है स्कैन कोड, यहाँ पे आकर आपने स्कैन वो करना है तो आपको यहाँ से पैसे भी मिल जाएंगे। और अगर आप मतलब उनको यूज़ कर, ये पैसे किस तरह के यार, इस तरह के मैंने कभी यूज़ नहीं किए। ये देखें, तो चलें करते हैं। मुझे ऐसे लगता है ये जिस तरह के नोट है ना, ये बस ई मार्ट पर ही हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम जो लेने वाले हैं वो हमारे, आप देख सकते हैं इधर फिश आ गई है, लेकिन ये वाली नहीं लेनी, ये कुछ और ही है, इधर होगी वो देखते हैं। तो पूरा कोरिया इधर आया हुआ है, या मुझे देख के डर लगता है, खाते कैसे हैं यार। ओह माय गॉड, चले नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते चलते हैं, देखते चलते हैं, देखा वहाँ हम देख ले पब्लिक देख। यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है, कोरियन डिश बनी हुई है, ये भी देख लें कितनी प्यारी है। तो आपको ये भी बता दो, कोरियन मोस्टली जो है ना वेजिटेबल जो है ना वो खाते हैं बहुत शौक से, सब्ज़ी। यहाँ पे देखो इसे ज़्यादा आपको सब्ज़ी की चीज़ें नज़र आएंगी, सब्ज़ी से बनी है। और मेरे काम की अगर बात करें तो इस चीज़ का मैं काम करता हूँ, ये देखो ये चीज़ हम तैयार करते हैं, हमारी कंपनी है। आप मेरा काम पूछते थे ना कि आप काम क्या करते हैं, तो ये चीज़ देखें, ये वाली चीज़ हमारी कंपनी में तैयार होती है, फूड की कंपनी से खिमची कहते हैं, तो ये हम तैयार करते हैं। ये देख लें गोभी है, गोभी पर मसाला लगाना होता है, ये हमारा काम है। इस टाइप की ये सारी गोभी है, ये हम तैयार करते हैं। यहाँ पर मुझे फार्मर भी नज़र आ रहे हैं। यार मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, मैं माइक लेकर नहीं आया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि पता नहीं किस तरह का रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो भी है आई होप कि आपको सही समझ आ रही होगी, वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जोर से बोल भी नहीं सकता, बुरा लगता है। अच्छा आलमदीन भाई मैंने इधर नज़र आ रहे हैं, आलमदीन भाई नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे मिल लूँ फिर आगे दूसरी बात करते हैं। ये पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं।
ये एक ले ली हमने। अब जो जो चीज़ें लेनी है सबसे पहले तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ क्या क्या लेते हैं। ये दो हम ले लेते हैं। ये दो हम ले लेते हैं। ओके, तो ये सारी आपको शराब नज़र आएगी, शराब जिस तरह की भी आपने लेनी है। ये देखा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के ब्रांडेड है, ये जो भी है, बिकॉज आई डोंट लाइक इवन आई हेट। दोस्त कहता था कि कोरिया का जो है ना मेकअप बहुत फेमस है, तो ये आप देख रहे हैं वो है, ये वाला मेकअप है। यहाँ पे आपको पूरा वो क्या कहते हैं एक्सपर्ट बना दें, अगर आप यहाँ से मेकअप का सामान लें तो सारा कुछ आपको सिखा दें, किस तरह यूज़ करना है और किसके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे भी दे गए, ये नहीं कि बस अपना बेचने के लिए, जो आपके लिए ठीक रहेगा अच्छा रहेगा वही आपको मशवरा देंगे। तो मेरी एक चीज़ रहती है अदरक और लहसुन का जो मिक्स है ना, वो मैंने लेना है। अभी यहाँ एक लड़का, उससे पूछा है, उसने यहाँ तक छोड़ कर गया मुझे कि ये पड़ा है, ये देखें ये लहसुन जो है ना उसका है पेस्ट, इसी तरह आई थिंक ये अदरक का पेस्ट। तो ये दो दो हम ले लेते हैं, ये काम की चीज़ है, दो दो लेते हैं, ये हो गए। अभी यहाँ पर हमारा बिल बन रहा है, कितना बनता देखते हैं। आई होप 70,000 तक बन जाएगा। ये तरीका का रही है यहाँ पे बिल आपका किस तरह बनता है इसका। इसीलिए मैं हैंडल कार लेकर आया था कि गाड़ी तक हम ले जा सके, क्योंकि अब इतना सामान मुझसे तो नहीं उठाना जाना था, तो इसलिए गाड़ी तक ले जाते हैं और फिर इसे वापस उधर ही रख देंगे। तो चलो चलते हैं, इसलिए हम परफेक्ट पहुंचे हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहीं पर डन करते हैं, शॉपिंग हमारी होगी और बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए मुझे, तो मैं चलता हूँ घर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।